हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस कर रहे हैं एच क्रोमेटोग्राफी के बारे में हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको कि अपन एच के नाम से जानते हैं ओके इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल क्रोमेटोग्राफी जो कि सबसे ज़्यादा अभी नाउ डेज यूज होने वाली क्रोमेटोग्राफी ठीक है जिसको कि चाहे अपन ड्रग एनालिसिस में यूज करते हैं चाहे किसी केमिकल कंपाउंड में या फिर किसी भी केमिकल कंपाउंड के दो केमिकल कंपाउंड के सेपरेशन में या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करना है उसका ऐसे करना है परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है या फिर उसकी इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग करनी है या फिर उसका डिजोल्यूशन टेस्ट अपन कर रहे हैं किसी भी टैबलेट का या फिर उसका सेपरेशन अपन कर रहे हैं सारी की सारी जो एनालिटिकल टेक्निक है आजकल जो है वो सारे के सारे मेथड डेवलपमेंट है वो भी एच पे ही डेवलप हो रहे हैं उसका रीज़न क्या है सबसे इंपॉर्टेंट ये क्रोमोटोग्राफी है कम सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है चलिए आज का वीडियो पूरा इसी क्रोमोटोग्राफी पे ऊपर होगा एच के बारे में जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल इसके इंस्ट्रूमेंटेशन इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसके बाद लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा मतलब एकदम डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल और हाउ डज़ द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ एच ओके चलिए लेट स्टार्ट एचपीएलसी सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में फिर इसके प्रिंसिपल के बारे में फिर उसके एल्यूशन टेक्निक कैसे एल्यूशन होता है और दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में ठीक है तो बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर अपन देखें इंट्रोडक्शन क्या है देखिए इसको हाई प्रेशर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमोटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमोटोग्राफी दोनों नाम से जानते हैं सबसे पहले अपन को ये समझना होगा बेसिकली ये कॉलम क्रोमोटोग्राफी का ही एडवांस फॉर्म है ठीक है और उसके अलावा मैं आपको बताऊं जैसे जैसे आपने देखा होगा अगर आप इंडियन फार्माकोपिया 1996 को देखेंगे तो वहां पे जो एनालिटिकल मेथड थे सारे के सारे जो मतलब किसी भी ड्रग का अपन को एनालिसिस करना है या फिर किसी भी ड्रग का अपन को ऐसे करना है आर करना है तो सारे के सारे मैथड जो थे वो पहले टाइट्रेशन में थे फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय एडवांस आया तो सारे के सारे मेथड जो है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कन्वर्ट हो गए अब जैसे जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद जो है मेथड जो है ज़्यादा से ज़्यादा अब एच पे कन्वर्ट हो गए आप जैसे देखेंगे कि 2018 की जो आईपी है या 2014 की जो आईपी है ज़्यादा से ज़्यादा मेथड जो है एनालिटिकल मेथड वो एच पे कन्वर्ट हो गए हैं उसका रीज़न क्या है जैसे जैसे टाइम बदलता है चीज़ें बदलती है एनालिटिकल मेथड टेक्निक बदलती है और एक्यूरेसी है वो बहुत सी ज़्यादा बढ़ गई है है ना एक्यूरेसी प्रोस्पेक्टिव अपन देखें वॉल्यूशन पे, मेथड पैरामीटर के प्रोस्पेक्टिव अगर अपन देखें और यूएस एस एफ डी ए की जो गाइडलाइन है आई सी आई सी आई सी एच गाइडलाइन है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्गनाइजेशन उनके अकॉर्डिंग जो है सारे के सारे एनालिटिकल मेथड है वो बहुत ही एडवांस और बहुत ही सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट पे अपन परफॉर्म करते हैं तो उसमें से एक एच जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एच के बारे में अगर एच की सबसे पहले मैं क्रोमेटोग्राफी की बात करूँ तो क्रोमेटोग्राफी जैसे कि आप जानते हैं कि सर तीन से चार टाइप के जो मिक्सचर कंपाउंड है उनको एक इंडिविजुअल कंपाउंड में मेरे को सेपरेट आउट करना है तो मैं क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करता हूँ ठीक है अगर मेरे पास तीन से चार कंपाउंड है वो मिक्सचर फॉर्म में है या सॉल्यूशन में है या मिक्सचर फॉर्म में फॉर्मेशन में है तो उसमें से मेरे को जो है कंपाउंड सेपरेट आउट करने हैं तो मैं कौन सी टेक्निक को यूज करूंगा तो मेरा आंसर होगा सर मैं क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करूंगा क्रोमेटोग्राफी में सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी है पहला पेपर क्रोमेटोग्राफी फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फिर जैसे एडवांस टेक्नी टेक्निक आई हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही एडवांस टेक्निक अगर बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं मैकेनिज्म okay? होगा चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में टेक्निक ऑफ इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस वेन कंपेयर टू क्लासिक क्रोमेटोग्राफी मैथड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अगर एचपीएलसी की मैं बात करूँ तो ये डिपेंड है पूरा का पूरा कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे बट ये इम्प्रूवड परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस पे अगर काम करता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता था इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम है ना उसमें बहुत टाइम लगता था और जो सोल्यूशन रिजोल्यूशन था वो धीरे धीरे सेडिमेंटेशन अपन को सेपरेट आउट दिखता था फिर अपन को कॉलम निकाल के उसका एनालिसिस करना पड़ता था ठीक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में अपन क्या करते थे जैसे कि मैं आपको बताऊं ये ट्यूब होती थी उसी ट्यूब में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉरी कॉलम क्रोमोटोग्राफी की अगर मैं बात करूं है तो कॉलम क्रोमोटोग्राफी में क्या होता था यूजुअली यहाँ पे सर एक ट्यूब होती थी ये कॉलम था था उस कॉलम में अपन क्या करते थे वो जो सिलिका जेल है वो भर देते थे और फिर थर्ड फोर्थ तक अपन जो है इसका मोबाइल फेज भरते थे और फिर धीरे 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 जो सेपरेशन है वो सेपरेशन हो जाता फिर कॉलम को बैंड करते खोलते और फिर जैसे जैसे अपन कॉलम को फैलते उसका सोल जो है सिलिका जेल वाला उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर उसका एनालिसिस करते हैं तो ये प्रोसेस जो है बहुत लंबा हो जाता और एक्यूरेसी भी ठीक ठीक रहती है तो इसी का एडवांस वर्जन अपन समझ सकते हैं कि सर एच पी एल सी जो है जिसमें क्या होगा कि सेपरेट भी हो जाएगा और डिटेक्ट भी हो जाएगा सो इट इज कॉल्ड हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमटोग्राफी क्योंकि अपन उसमें पंप यूज करते हैं एच में प्रेशर के थ्रू अपन उसको सॉल्वेंट मोबाइल फेज और जो अपना एनालाइट है उनको कॉलम के थ्रू पास आउट करते हैं और उसको सेपरेशन आउट करते हैं इट इज कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिंस द हाई प्रेशर इज यूज वैन कंपेयर टू द क्लासिक क्रोमेटोग्राफी मेथड ठीक है जैसा कि अपन जानते हैं इसमें पंप का अपन यूज करते हैं ताकि मोबाइल फेस और एनालाइट जो है पंप के थ्रू प्रेशर फॉर्म में कांस्टेंट प्रेशर में कॉलम के कॉलम में अपन उसको पास आउट करते हैं तो वो कॉलम के थ्रू वो धीरे धीरे उसकी मोबाइल फेज और उसकी एनालिट की एफिनिट के अकॉर्डिंग वो सेपरेट आउट हो जाता है ओके okay? नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैरामीटर की जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली जो क्लासिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मेथड था और एच में क्या डिफरेंस है चलिए नेक्स्ट पहले पहली बात करते हैं अपन पार्टिकल साइज के बारे तो में तो मेन मेनली मगर पार्टिकल साइज जो है वो एच पी एल सी एडवांस टेक्निक है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमोटोग्राफी तो ऑब्वियसली इसमें छोटे से छोटे मॉलिक्यूल पार्टिकल साइज भी है वो भी अपन एनालाइट कर सकते हैं जबकि क्लासिक क्रोमोटोग्राफी जो ट्रेडिशनल मैथर है उसमें सिक्सटी टू टू हंड्रेड माइक्रोन था इसमें तीन से लेकर ट्वेंटी माइक्रोन इतना छोटा भी मॉलिक्यूल अपन डिटर्मिनेशन कर सकते हैं मतलब इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छी है नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉलम लेंथ के बारे में तो कॉलम लेंथ की अगर मैं बात करूं तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम जो था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता था क्योंकि अपन को सेपरेट आउट करने के लिए प्रेशर वो पंप तो था नहीं तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए अपन को कॉलम की लेंथ जो वो बढ़ा देते थे, थे ताकि अपन को एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आती थी इसलिए वो क्लासिक मैथड में जो कॉलम की लेंथ होती थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी रेस्ट ऑफ एच की मैं बात करूँ तो उसमें पाँच से पाँच सेंटीमीटर तक ही कॉलम छोटा सा कॉलम आता है स्टेनलेस स्टील का ठीक है आपने देखा होगा नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रेशर की बात करूं तो यहाँ पे जो है 500 से लेकर 3000 तक अपन पीएसआई तक कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं एच में फ्लो रेट की बात करें लो टू हाई इसमें रहता था धीरे धीरे जो है सेडिमेंटेशन कॉलम मेथड में इसमें मीडियम टू हाई अपन लेके जाते हैं सैंपल लोड की बात करें तो लो टू मीडियम एंड लो टू वेरी लो मतलब स्मॉल से स्मॉल अमाउंट में अगर सैम्पल है वो भी अपन एनालिसिस एच पे इजीली परफॉर्म कर पाएंगे ओके रिजोल्यूशन पाउडर पावर की बात करूं रिजोल्यूशन पावर मतलब कि एक्यूरेसी जो है सेपरेशन की वो कितनी रहेगी दो दो सॉल्वेंट दो है या दो सॉल्यूशन है या दो कंपाउंड है उन दोनों के बीच में रिजोल्व उनको आइडेंटिफाई करने की एक्यूरेसी जो है वो पांच सौ प्लेट्स एंड यहाँ पे दस हज़ार प्लेट्स की बात आ रही है नेक्स्ट स्केल ऑपरेशन प्रिपरेटिव स्केल एंड एनालिटिकल प्रिपरेटिव स्केल ओके तो ये सारा का सारा डिफरेंस था कॉलम क्रोमोटोग्राफी और एचपीएलसी में नेक्स्ट करते हैं अपन प्रिपरेटिव स्केल और एनालिटिकल स्केल जैसे कि अपन जानते हैं कॉलम क्रोमोटोग्राफी में इन दिस सैंपल द लोड इज हाई सो द कलेक्टिव सैंपल आर रीयूज ओके सो सेपरेशन फ्यू ग्राम्स ऑफ मिक्सचर बाय एचपीएलसी एंड एनालिटिकल स्केल की अगर बात करें इन दिस रिकवरी द सैंपल नॉर्मली डन नॉट डन सिंस द सैंपल इज वेरी वेरी अगर कम अमाउंट में भी सैंपल है तो भी उसको अपन अच्छे से HPLC पे सेपरेट आउट कर सकते हैं यहाँ तक था अपना इंट्रोडक्शन अब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल की मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सर एच का प्रिंसिपल क्या है तो प्रिंसिपल क्या है देखिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमोटोग्राफी इज अ क्रोमोटोग्राफी टेक्निक यूज टू स्प्लिट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इन द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री चाहे वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का हो बायो केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल परपज से हो द मेन परपज ऑफ यूजिंग एचपीएलसी फॉर आइडेंटिफाई फर्स्ट किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है सेकेंड किसी भी कंपाउंड को क्वांटिफाई करना है एंड प्यूरिफाई द इंडिविजुअल कंपाउंड इन ए ओके तो बेसिकली प्रिंसिपल इसका क्या है कि सर एच पी एल सी इज ए क्रोमोटोग्राफी टेक्निक

बेसिकली टू टाइप के एचपी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक रहती है एक तो एब्जॉर्प्शन टेक्निक दूसरी है पार्टीशन कॉपरेशन टेक्निक ओके तो पार्टीशन कॉपरेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या है जैसे कि अपन बात करें पेपर क्रोमेटोग्राफी की तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो वर्क करता है वो पार्टीशन कॉपरेशन पे बट टीएलसी की अगर मैं बात करूँ तो टीएलसी जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉपिशन से काम करती है दोनों में डिफरेंस क्या है मैं ब्रीफली बता देता हूं आपको देखिए पार्टीशन कॉपिशन में क्या है जो मोबाइल फेज और एनालिट है वो स्टेशनरी फेज पे पार्टीशन कॉपिशन के थ्रू जो है ऊपर अपवर्ड मूवमेंट में जाता है जबकि टीएलसी में वो एब्जॉर्ब होता है स्टेशनरी फेज पे देन वो मूव करता है अपवर्ड की ओर ओके okay? छोटा सा डिफरेंस है फिर अपन बात करते हैं एचपीएलसी के बारे में व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट विल बी डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू देयर पार्टीशन मतलब कि अगर दो अनिबल लिक्विड है और जो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूड विल बी डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग मतलब वो अपने कोपिशन पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग ही अकॉर्डिंग ही वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे या फिर सेपरेट आउट होंगे द कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्यूबल इन स्टेशनरी फेज ट्रेवल स्लोली हैज वी नो डेट जो भी कंपाउंड है अगर वो ज़्यादा सॉल्यूबल है स्टेशनरी फेज पे देन वो क्या करेगा धीरे धीरे सेपरेट आउट होगा एंड विच इज मोर सॉल्यूबल इन मोबाइल फेज ट्रेवल फास्ट इजी है नेक्स्ट द स्टेशनरी फेज एज सच कैन नॉट बी लिक्विड हैं सॉलिड सपोर्ट इज यूज ओवर विच थिंग फिल्म कोटिंग लिक्विड मेड विच इज एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज ओके तो जैसे कि यहां पर बात की अपन ने कोई भी कंपाउंड कंपोनेंट है ओके okay. तो वो सेपरेट आउट कैसे होगा कि सर अगर वो सॉलिड फेज में मोर सॉलिबल है स्टेशनरी फेज में जिसको अपन सॉलिड फेज बात कर रहे हैं स्टेशनरी फेज में मोर सॉल्यूबल है तो वो ट्रेवल जो है धीरे धीरे करेगा क्योंकि जो कम सॉलिबल है वो पहले इलूट हो जाएगा और जो ज़्यादा सॉल्यूबल है स्टेशनरी फेज में वो धीरे 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 करके सेपरेट आउट होगा विच इज़ मोर सॉलीबल इन और अगर जो सॉल्यू जो सॉल्यूबल ज़्यादा है मोबाइल फेज में तो वो ट्रेवल फास्ट करके एल्यूशन भी उसका फास्ट हो जाएगा ये बेसिक प्रिंसिपल जैसे कि अपन जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी एनोलट है वो अगर स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज में के थ्रू मोबाइल फेज में ज्यादा सोलिबल है तो वो जल्दी से सॉलिबल हो जाएगा और जल्दी से एल्यूशन भी हो जाएगा अगर वो स्टेशनरी फेज में ज्यादा सोलिबल है तो वो धीरे 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 करके एल्यूशन उसका होगा सिंपल है नेक्स्ट अपन बात करते हैं दो मोड जो है मोस्टली अपन प्रॉपुलर यूज करते हैं एचपीएलसी में फर्स्ट इज रिवर्स फेज मोड एंड सेकेंड इज नॉर्मल फेज मोड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा देना कि नॉर्मल फेज मोड में अपन बेसिकली क्या करते हैं देखिए नॉर्मल फेज में क्या होता है स्टेशनरी फेज इज पोलर एंड मोबाइल फेज इज नॉन पोलर मतलब कि अगर अपना स्टेशनरी फेज जो है जो कॉलम है कॉलम में अपन जो कम्पोनेंट भर रहे हैं वो पोलर होगी और मोबाइल फेज जो अपन यूज कर रहे हैं वो नॉन पोलर होगा नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में अभी इसी का रिवर्स अपन कर लेते हैं कि सर स्टेशनरी फेज जो है वो नॉन पोलर होगा और मोबाइल फेज जो है वो पोलर होगा तो यूजुअली अगर अपन देखें तो मोस्टली अपन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी ही यूज़ करते हैं बिकॉज मोबाइल फ़ेज़ अपन को पोलर चाहिए पोलर जो है अपनी ज़्यादा के ज़्यादा जो ड्रग्स जो हैं वो पोलर होती है तो उस हिसाब से वो उसका सेपरेशन भी अच्छे से हो जाता है चलिए तो ये आप अच्छे से इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ये याद रखना आप हमेशा एग्जामिनर जो भी है वो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नॉर्मल फेज क्रोमोटोग्राफी और रिवर्स फेज क्रोमोटोग्राफी में क्या डिफरेंस है ठीक तो है तो नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज पोलर, पोलर होता है और मोबाइल फेज नॉन पोलर और रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज नॉन पोलर और मोबाइल फेज पोलर होता है चलिए अब बात करते हैं अपन इल्यूशन टेक्निक की कि कोई भी कंपोनेंट है या एनलेट है वो इल्यूट कैसे होगा उसको इल्यूशन टेक्निक क्या रहेगी तो इसमें दो टाइप की टेक्निक आते हैं एक फर्स्ट इज आइसोक्रेटिक सेपरेशन सेकेंड इज ग्रेडियंट सेपरेशन देखिए इसको मैं अच्छे से आपको पहले समझा देता हूँ फिर आपको मैं इसे अच्छे से पढ़ा के बोलूँगा देखिए पहले तो अपन को समझना आइसोक्रेटिक में क्या समझना है आइसोक्रेटिक सॉल्वेंट फिर अपन समझेंगे उसको ग्रेडियंट ठीक है तो आइसोक्रेटिक में क्या होगा देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं मोबाइल फ़ेज़ रिज़र्वर की बात करूँ जो अपन रिज़र्वर रखेंगे जिसमें अपन को मोबाइल फेज़ रखना है उसकी अगर बात करूँ तो सेपरेशन में अगर मैं आइसोक्रेटिक यूज़ करता हूँ आइसोक्रेटिक का मतलब ये है कि अगर मेरा मोबाइल फेज जो है वो फिफ्टी परसेंट जो है वाटर है और फिफ्टी परसेंट क्या है इथेनॉल ठीक है फिफ्टी परसेंट वाटर और फिफ्टी परसेंट इथेनॉल तो यहाँ से जो मोबाइल फ़ेज की ये जो है ये जो पंप के थ्रू ये जा रही है मोबाइल फेस की तो यहाँ पे मैंने क्या किया 50 परसेंट वाटर लिया और 50 परसेंट इथेनॉल को इसके अंदर डाल दिया मिक्स कर दिया उसको सोनिकेट करके मैंने एच सिस्टम में इसको लगा दिया तो इस टाइप के जो एक ही लाइन में मैं दोनों सोल्यूशन को मिक्स करके लगा रहा हूँ तो इसको अपन फ्लो बोलेंगे आइसोक्रेटिक फ्लो अगर ग्रेडियंट की मैं बात करूं तो ग्रेडियंट में क्या होगा कि मैं यहां पे 50 परसेंट जो है ओनली वाटर लूंगा अगर मैं देखिए यहां पे बात करता हूं ओके okay. तो यहां पे मैंने फिफ्टी परसेंट वॉटर लिया ठीक है यहां पे फिफ्टी परसेंट वॉटर लिया और यहां पे मैंने फिफ्टी परसेंट इथेनॉल लिया दोनों की जो सॉल्वेंट है उसको मैंने पंप के थ्रू मिक्स करके आगे पंप में जाने के लिए दे दिया ठीक है तो इलिशन टेक्निक में मोस्टली अगर अपन जो देखें तो अपन आइसोग्रेटिक भी यूज करते हैं और ग्रेडियंट भी यूज करते हैं एज पर डिपेंड ऑन योर मेथड एनालिसिस आपका मेथड कैसा है आपने मेथड को कैसे सेट किया है उसके अकॉर्डिंग इस पर डिपेंड करेगा ठीक है तो यहाँ पे आपको मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा देखिए मैं आपको बता देता हूँ रखते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें अपन ने क्या किया कम से कम जो एचपीएलसी में अगर अपन देखें मोबाइल रिजर्वर के लिए चार लाइने होती है ए बी सी डी ओके चार लाइने होती है उसमें से अपन देखें आइसोक्रेटिक में मैंने क्या किया एक ही लाइन को मैं चला रहा हूँ और उसी में मैंने जो मिक्सचर है मेरा 50 परसेंट वाटर और 50 परसेंट इथेनॉल का मिक्स करके डाल दिया एक ही लाइन को मैं चला रहा हूँ और मैं अपना मेथड एनालिसिस कर रहा हूँ ये तो हो गया आइसोक्रेडिक मोड ग्रेडियंट मोड की क्या बात है कि मेरे को सर है ना फिफ्टी परसेंट वाटर चाहिए फिफ्टी परसेंट चाहिए और मेरे को टेन परसेंट ग्लेशियल एसिडी की चाहिए और मेरे को फिर बाद में मिथेनॉल चाहिए तो चारों के चारों सैंपल जो मेरे को रेशियो जो है इसका वो फिफ्टी फिफ्टी नहीं है इसका टेन है सर इसका ट्वेंटी है तो उस रेशियो में मैं सेट करके एच में लगा सकता हूँ उसको अपन ग्रेडियंट पावर बोलेंगे तो अब एक बार सिस्टमेटिकली अपन पढ़ के देख लेते हैं क्या बोलता है देखिए आइसोग्रेटिंग मतलब क्या है इन दिस टेक्निक द सेम मोबाइल फेज कॉम्बिनेशन इज यूज देखिए जैसे कि मैंने बताया फिफ्टी परसेंट वाटर और फिफ्टी परसेंट इथेनॉल एक ही लाइन में मैंने लगा दिया मोबाइल रिजर्वर में सेम कॉम्बिनेशन इज यूज थ्रू आउट द प्रोसेस पूरे प्रोसेस पूरा मेथड में आपने एक ही कॉम्बिनेशन अपन यूज कर रहे हैं जैसे कि मेरे को फिफ्टी इथेनॉल और फिफ्टी मिथेनॉल चाहिए तो एक ही कॉम्बिनेशन मेरे को मतलब फिफ्टी परसेंट ये फिफ्टी परसेंट ये चाहिए तो मैं यही लगा सकता हूँ देखिए यहाँ पे कि जैसे कि आपका जो रन आउट है वो रन आउट सैंपल है दस मिनट का तो पूरे दस मिनट के लिए आपको फिफ्टी परसेंट वाटर और फिफ्टी परसेंट आप ऐसा भी लगा सकते हैं ए और बी दोनों लाइन स्टार्ट कर सकते हैं और दोनों में फिफ्टी फिफ्टी परसेंट कर सकते हैं परंतु तो होल टाइम के लिए आपको दोनों फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चाहिए तो उसको अपन मोड बोलेंगे ठीक है उसको करने के लिए। की मैं बात करूं देखिए इसमें क्या है इन मोबाइल फेज कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर पोलरिटी इल्यूशन स्ट्रेंथ इज यूज फॉलोइंग बाय ग्रेजुअली इंक्रीज ओके okay, जैसे कि मेरे को सर फिफ्टी परसेंट तो वाटर और फिफ्टी परसेंट इथेनॉल चाहिए दस मिनट का मेरा रन टाइम है तो पाँच मिनट के लिए मेरे को ये चाहिए फिर पाँच मिनट के बाद मेरे को टेन टेन पर, परसेंट इथेनॉल और नब्बे परसेंट वाटर चाहिए तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे तुमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सॉल्वेंट का एल्यूशन स्ट्रेंथ चाहिए तो उस अकॉर्डिंग अपन को ग्रेडियंट यूज करना पड़ता है ओके okay? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एच बी एल सी चलिए फर्स्ट अपन बात करते हैं एक एक करके अपन बात करेंगे फर्स्ट आएगा इसमें सॉल्वेंट रिजर्वर जिसमें कि अपन सॉल्वेंट को रखेंगे सेकंड आएगा ट्यूबिंग ट्यूब के थ्रू जिसमें अपन सिस्टम में सॉल्वेंट uh, को फ्लो करवाएंगे पास आउट करवाएंगे नेक्स्ट आता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पंप पंप कौन से यूज कर रहे हैं अपन फिर इंजेक्शन सिस्टम फिर गार्ड कॉलम फिर एनालिटिकल कॉलम फिर डिटेक्टर और लास्ट में जो है रिकॉर्डर एंड जो लास्ट में अपन रिकॉर्डिंग करते हैं इसकी जो भी अपने पास डेटा आता है ठीक है तो ये सिक्वेंस आपको याद हो जाना चाहिए अब अपन बात करते हैं थोड़े से सिस्टम के बारे में एचपीएल वर्क कैसे करता है देखिए सिस्टम में क्या रहेगा जैसे ये आपका मोबाइल फेज जो है उसके रिजर्वर के लिए यहाँ पे आपने जैसे कि ये एक डायग्राम जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताया गया फिर आपको एच का डायग्राम भी बनाऊँगा मैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये क्या है मोबाइल रिजर्वर है यहाँ पे मोबाइल फेज रहता है इसमें से सॉल्यूशन जो है निकलेगा निकल के यहाँ तक तो नॉर्मल फ्लो में आएगा फिर यहाँ से जो है पंप के थ्रू क्या रहेगा ये पंप जो है इसको खींचेगा को पंप जैसे अपने पानी की मोटर कैसे होती है उस हिसाब से पंप जो है इसको खींचेगा और खींचने के बाद जो है ये यहाँ पर आगे फ्लो होगा कांस्टेंट फ्लो में अपन इसको पास आउट करेंगे जैसे कि 500 हंड्रेड है 200 हंड्रेड पी ओके फिर यहाँ पे अपना इंजेक्शन सिस्टम होगा जो अपन को सैंपल का एनालिसिस करना है उस फ्लो में अपन उसको इंजेक्ट करेंगे और ये दोनों मोबाइल फेज और एनालिट मिलके के यहाँ पे कॉलम के अंदर जाएंगे और जैसे ही ये कॉलम के अंदर जाएंगे तो अपने जैसे कि तीन टाइप के जो सॉल्वेंट इसमें मिक्सर कंपाउंड थे तो धीरे धीरे करके जो है एक एक सेपरेट आउट हो जाएगा ए बी और सी अब बात आती देखिए दे, 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 एक मैं एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ ठीक है एग्जांपल कैसा है देखिए एबीसी तीन कंपाउंड है इसमें मेरे एनालाइट में सैंपल में इन तीनों को मेरे को सेपरेट आउट करना है तो यहां पे देखिए यहां आते 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 यहां पर ये, डिटेक्टर कर जाते, जाते जाते जो है तीनों सेपरेट आउट हो गए ठीक है पहले अब बात आती है सब पहले कौन सा ए बी सी में से पहले कौन सा जाएगा सेपरेट आउट पहले कौन होगा तो यही मैंने आपको अभी समझाया था इल्यूशन टेक्निक में कि जिसकी एफिनिटी टूवर्ड्स द मोबाइल फेज ज़्यादा है वो पहले ज़्यादा सेपरेट आउट होगा जल्दी सेपरेट आउट होगा या जल्दी इल्यूशन होगा और जिसकी एफिनिटी टूवर्ड्स द मोबाइल फेज कम है वो लेट जो है एल्यूट होगा जैसे कि एक और एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ अगर स्टेशनरी फेज़ में जिस मॉलिक्यूल की सोलिबिटी ज़्यादा है तो वो धीरे 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 करके सेपरेट आउ हुआ, हुआ और जिसकी सॉलिबिटी नहीं ज़्यादा है कम सोलिबल है वो तो जट, वो झटके से एलोशन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल दिया है सबसे पहले आपके एल्यूशन आ रहा है मोबाइल फेज की टू वर्ड्स द मोबाइल फेज जो एफिनिटी है वो कंपाउंड सी की ज़्यादा है तो सी सबसे पहले सेपरेट आउट हो गया सी अपन को सबसे पहले डिटेक्ट हो जाएगा डेटा में यहाँ पे ये वेस्ट की तरफ जाता है फिर फिर अपने पास धीरे धीरे आया बी फिर बी एनालिसिस हुआ और फिर ए एनालिसिस हुआ मतलब जिसकी एफिनिटी टूवर्ड्स द मोबाइल फेज ज्यादा थी जो मोबाइल फेज में अच्छे से अवेलेबल हो गया वो जल्दी से सेपरेट आउट हो गया और जो जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज में ज्यादा थी वो धीरे धीरे सोल्यूबल हुआ ठीक है जो स्टेशनरी फेज में ज्यादा सोल्यूबल था वो धीरे धीरे सेपरेट आउट हुआ कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म है एचपीएल का ओके okay? नेक्स्ट एक और डायग्राम जिससे कि अपन अच्छे से समझ सकते हैं सॉल्वेंट जो अपन मैंने बताया आपको चार लाइनें होती है सॉल्वेंट के लिए फिर डी अपन यूज करते हैं डीकेशर यूज़ करने का रीज़न ये है कि अगर किसी भी सॉल्वेंट में या मोबाइल फेज सॉल्वेंट में अगर कोई भी प्रकार का अगर कोई पार्टिकल आ जाता है तो फिर आगे कॉलम में जाके फंस जाता है तो कॉलम को डैमेज कर सकता है तो इसलिए अपन को डीजे डी कैसर जो लगाना जरूरी है या कोई पार्टिकल आ जावे या फिर कोई गैस का कंपाउंड है है ना वो पूरा का पूरा डिगैस करना उसको बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो भी है वो उसको अपन को डिगैस करना जरूरी है फिर उसको आप आगे अपन फ्लो करते हैं कॉलम में ओके तो यहां तक आपको बेसिक एचपीएलसी uh, का अच्छे से समझ में आ गया होगा अब अपन एक एक करके इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में फर्स्ट बात कर रहे हैं अपन सॉल्वेंट रिजर्वर के बारे में मतलब जहां पे सॉल्वेंट अपन को रखना है जिसके थ्रू अपन सॉल्वेंट को पास करेंगे आगे तो इट शुड बी इनर्ट इन मोबाइल फेज ओके मतलब ऐसा सॉल्वेंट रिजर्व होना चाहिए जो कि मोबाइल फेज के साथ रिएक्ट नहीं करे अगर रिएक्ट कर गया तो अपना सैंपल एनालिसिस भी गड़बड़ हो जाएगी इट शुड बी मेड अप फ्रॉम स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास तो मोस्टली ग्लास के आपने देखे होंगे इसकी कैपेसिटी जो है मोर देन फाइव हंड्रेड इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है मोबाइल फेज का फ्लोरेट जो है वो वन से टू मिनट एम एल पर मिनट मतलब एक एम एल एक मिनट में पास आउट होना चाहिए वो यूजुअली इतनी जैसी मोबाइल मेथड की कैपेसिटी उस हिसाब से रखते हैं अपन डी गैसिंग क्या है इन सम केस एक्विज सॉल्यूशन एंड सम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर डी गैसेस प्रायर यूज टू दिस इज डन टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल एंड डिटेक्टर ओके जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी गैस का बबल है वो अगर उस सॉल्वेंट में आ जाता है तो उसको अपन को डी गैस करना पड़ता है या फिर उसको अपन को सोनिकेट करना पड़ता है ताकि वो बबल जो है आगे इंटरफेयर नहीं करे कॉलम में या फिर डिटेक्टर में ओके अपन को अच्छे से एक्यूरेट रिजल्ट अपन को मिल पाए नेक्स्ट इट इज डन बाय वेरियस मैथड स्ट्राइंग मोबाइल फेज अंडर वैक्यूम एंड स्प्रेइंग विद द हीलियम गैस और सोनिकेट भी अपन उसको कर सकते हैं तो ये आप देख रहे हैं ये क्या है सॉल्वेंट रिजर जिससे कि अपन आगे मोबाइल फेज उसको ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट बात आती है ट्यूबिंग की ट्यूबिंग का मतलब क्या है इन द नेचर ऑफ ट्यूबिंग यूज टू कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम डिजर्व सम ऑफ अटेंशन द ट्यूबिंग शुड बी इन हैव एबिलिटी ऑफ विद स्टैंड प्रेशर एंड कैरी आउट द दफिशियंट वॉल्यूम नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पंप के बारे में पंप कैसा रहता है इसमें तो दिस आर यूज टू तो पास मोबाइल फेस एट हाई प्रेशर अबाउट 1000 टू 3000 पीसीआई ओके okay. देखिए पंप का अपन यूज क्यों करते हैं कि जो मोबाइल फेज को खींचेगा एक कांस्टेंट फ्लो के रेट में और वो कांस्टेंट फ्लो के रूप में अपन आगे उसको पंप या फिर मतलब उसको आगे अपन कॉलम के थ्रू एनालाइट के साथ पास आउट करते हैं इनटू द कॉलम व्हिच इज रिक्वायर्ड कॉज हाई रेजिस्टेंट टू फ्लो ऑफर्ड ड्यू टू द लेस पार्टिकुलर ऑफ स्टेशनरी फेज ओके नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइडियल रिक्वायरमेंट पंप की एक आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए उसके बारे में तो प्रोड्यूस वेरी हाई प्रेशर ओके तो पंप की जो कैपेसिटी है वो क्या रहती है कि कांस्टेंट फ्लो में एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ वो आगे मोबाइल फेज को फ्लो करे तो कितने फाइव थाउजेंड टू टेन थाउजेंड कैपेसिटी होनी चाहिए प्रोड्यूस पल्स फ्री आउटपुट फ्लोरेट शुड बी कैन नॉट बी रिप्रोड्यूसेबल एंड फ्लोरेट मोबाइल फेज शुड बी रेंज मतलब जो है कि अगर अपन फ्लोरेट उसकी डिसाइड करते हैं कि भाई एक एम एल जो है एक मिनट में पास आउट होना चाहिए या फिर दो एम एल एक मिनट में पास आउट होना चाहिए या फिर जीरो पॉइंट फाइव एम एल एक मिनट में पास आउट होना चाहिए, चाहिए। मोबाइल के थ्रू तो वो सारा का सारा रेगुलेट कौन करेगा पंप के थ्रू होगा ऑल मटेरियल कॉन्स्टेंट शुड बी कोरिजन फ्री एंड स्टेनलेस स्टील टैफरेंट नेक्स्ट अपन बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ पंप बेसिकली पाए जाते हैं एक तो कॉन्स्टेंट रेट और कॉन्स्टेंट प्लेसर के साथ फर्स्ट कॉन्सेंट रेट में दो टाइप के पंप आते हैं रेसिप्रोकेटिक पंप एंड सीरिंस ड्राइव पंप नेक्स्ट पहले अपन बात करते हैं रेसिप्रोकेटिक पंप के बारे में तो करेक्टराइज बाय फिलिंग द साइकिल एंड पंपिंग साइकिल तो यहाँ पे देखिए पंप कैसा रहता है ये एक कम ड्राइव पिस्टन लगा हुआ होता है वहाँ पे तो जैसे ही है, पिस्टन क्या करता है उसको मोबाइल फेज को आगे जैसे ही मोबाइल फेज यहाँ पे एयर का एयर कलेक्ट करेगा और फिर उसको प्रेशर के थ्रू वो आगे बढ़ा देगा तो इसका मैकेनिज्म जो है वो यहाँ से अपन को अच्छे से पता चल रहा है सॉल्वेंट टू कॉलम सिस्टम सॉल्वेंट फ्रॉम रिजर्वर ठीक है यहाँ पे ये वाल्व लगा हुआ है जो कि रिटर्न नहीं होता यहाँ पे सॉल्वेंट वापस नहीं आने देता और ये पिस्टन के थ्रू जो है आगे मोबाइल फेज को एक कॉन्स्टेंट फ्लो में डाल देता है इसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा रहेगा ए कंटेन रेसिप्रोकोटिक पिस्टन दैट मूव बैक एंड फ्रंट इन हाइड्रोलिक चैम्बर बाय द नंबर बाय मूवमेंट ऑफ पिस्टन सॉल्वेंट फ्लो इनटू टू द कॉलम अंडर हाई प्रेशर व्हेन द पिस्टन मूव बैकवर्ड इनर्ट वॉल ओपन वाइल एग्जिट वॉल क्लोज जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं विच इज रिजल्ट मोबाइल फेस बींग ड्रॉ इन टू दिन चैम्बर सिलेंडर वेन द पिस्टन मूव द फ्रॉलोज एग्जिट वॉल ओपन एंड द रिप्रोड्यूज द रिडक्शन इन वॉल्यूम मेन चैम्बर ड्यू टू फॉरवर्ड ऑफ मोशन पिस्टन रिजल्ट इन मोबाइल फेस मूविंग आउट द एग्जिट हाई प्लेस ओके तो एज पर एग्जामिनेशन देखिये बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट एच पी एल से अपन डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें आप अच्छे से मैकेनिज़्म जो अगर अपन समझ लेंगे तो अच्छे से अपन को पता चल जाएगी वॉट इज़ अ पंप कैसे काम कर रहा है और वो प्रेशराइज़ जो है एकदम कॉन्स्टेंट फ्लो में वो कैसे आगे मोबाइल फेज को लेके जा रहा है नेक्स्ट इसका एडवांटेज की अपन बात करें तो एडवांटेज देखिए वेरी स्मॉल वॉल्यूम छोटा सा वॉल्यूम भी अपन वो हैंडल कर सकता है और उसकी हाई रेंज जो है वो थाउजेंड पी तक प्रेशर को वो आगे मोबाइल फेज तक पहुँचाता है और ग्रेडियन प्रोसेस की बात करें डिपेंडिंग ऑन विस्कोसिटी एंड प्रेशर एंड डिस प्रोड्यूस पल्स फ्लो नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेसिप्रोक्रेटिक के बाद सिरिंज पंप के बारे में इन विच ऑल मोबाइल फेज कंटेन पंप द पिस्टन इनसाइड चैम्बर एक्यूरेट बाय द स्क्रू फीड ड्राइव इट कनेक्टेड टू द मोटर सो डिस्प्लेसिंग ऑफ कंट्रोल यहाँ पे देखिए आप इसका मैकेनिज्म आपको पता चल रहा है ये सिलेंडर लगा हुआ है पिस्टम के थ्रू इसको सील और मोबाइल फेज यहाँ से जाता है ये मोटर लगी हुई है यहाँ पे ये पंप जो है कॉलम की तरफ यहाँ पे मोबाइल फेज आगे लेके जाएगा एडवांटेज ये चीप है थोड़ा सा प्रोड्यूस प्रोसीजर पल्स लेट फ्लो पल्स लेस फ्लो एंड डिसएडवांटेज का फॉर वेरी लिमिटेड सॉल्वेंट कुछ एक सॉल्वेंट के लिए यूज होता है और ग्रेडियंट प्रोसेस कैन बी नॉट बी अप्लाइड और इस टाइप के पंप में अपन जो है ग्रेडियंट प्रोसेस जो है नहीं कर सकते अलग अलग डिफरेंट में ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अपन कांस्टेंट प्रेशर और न्यूमेटिक पंप के बारे में तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए अपन बात करते हैं मोबाइल फेज इज हेल्ड ऑन द कोलपिबल कंटेनर व्हिच इज फ्लेक्सिबल एंड बाय गैस सिंस द मोबाइल फेज इज डायरेक्टली कांटेक्ट विद द गैस सो इट मे बी डिसॉल्व एंड द न्यूमेटिक एम्फीफ्लायर पंप इज मॉडिफिकेशन ऑफ दिस पंप द गैस प्रेशर इज अप्लाइड टू Large piston which is connected to the small piston connect with the mobile phase. Its advantage क्या हो जाएगा ये भी cheap है और processer pulse less flow जो है इसमें रहता है. Disadvantage इसका for very limited solvent capacity gradient process can be apply. Flow rate depend on the viscosity, pressure and solvent limited pressure obtained अब अपन बात करते हैं यहाँ तक अपन ने बात की कि अगर constant flow कांस्टेंट प्रेशर में अपन को मोबाइल फेस को आगे की तरफ जाना है तो अपन को पंप की हेल्प करती है और पंप अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पढ़ लिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंजेक्शन सिस्टम की इंजेक्टर सिस्टम की इन दिस द डिवाइस द अवेलेबल इंजेक्शन ऑफ सैंपल इन टू कॉलम ओके सैंपल जो है अपन उसको इंजेक्शन में इंजेक्ट करते हैं और वो जो है सैंपल मोबाइल फेज के साथ मिलकर कॉलम की ओर बढ़ता है आइडियल रिक्वायरमेंट इसकी सैंपल शुड बी इंजेक्टेड इन द नैरो प्लग एंड साइज ऑफ सैंपल शुड भी वेरिएबल जैसे कि हमेशा सैंपल की साइज जो है वो एक नहीं रहेगी कभी फाइव माइक्रोन कभी टेन माइक्रोलीटर कभी ट्वेंटी माइक्रोलीटर कभी टेन माइक्रोलीटर कितना भी हो सकता 100 तो थोता थोता भी है हंड्रेड माइक्रोलीटर तो छोटा से छोटा सैंपल भी ये एनालिसिस कर लेता है एच बी एल सी शुड बी रिप्रोड्यूसीबल सिस्टम मस्ट बी एबल टू इंजेक्ट अगेन द हाई प्रेशर विदाउट द सैंपल लॉस वैन सिस्टम टू बी ऑटोमेटेड ओके नेक्स्ट टू टाइप्स इंजेक्टर पहला है सेप्टम इंजेक्टर सेप्टम इंजेक्टर इंजेक्टर में क्या रहता है देखिए सेप्टम कम्स डायरेक्ट विद द मोबाइल फेस मस्ट बी कंस्ट्रक्ट ऑफ द इनर्ट मटेरियल लाइक टेफलॉन एंड मस्ट बी विद स्टैंड प्रेशर अप टू थाउजेंड टू वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पी सी आई विदाउट लीकेज ये देखिए इस टाइप का कुछ मैकेनिज्म होता है सेप्टम uh, इंजेक्टर का ओके नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इसका पोअर रिसबिलिटी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप इंजेक्टर के बारे में अपन बात करते हैं देखिए लूप इंजेक्टर में क्या रहता है यहाँ पे मैं डायग्राम से समझा देता हूँ आपको ये क्या है इसमें दो टाइप की देखिए आजकल अगर अपन बात करें तो सैंपल इंजेक्टर जो है वो ऑटोमेटेड ही होते हैं जैसे कि अपन बात करें हैं की एचपीएल है या फिर मैं कंपनी का नाम बता रहा हूँ एजिलेंट है या वाटर्स की एच है या फिर सीमार्जू की एच है तो डिफरेंट डिफरेंट एच में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है ऑटोमेटेड सैंपल इंजेक्टर लगे हुए होते हैं ऑटोमेटेड का इन द सेंस ये है कि ऑटोमेटिक रोबोटिक हैंड आता है वो सैंपल को लेके जाता है इंजेक्ट करता है और वापस उसी जगह उसको रख देता है या फिर सीवार्डू की अगर एच पी एल सी के बात करें तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जहाँ पे वाइल्स पड़ी है वहाँ पे ही इंजेक्टर आता है और सैंपल को लेके सैंपल को कलेक्ट करके आगे एनालिसिस की ओर बढ़ता है ठीक है तो यहाँ पे लूप इंजेक्टर की अगर बात करें ये मेन्यूल टाइप का इंजेक्टर है इसमें क्या रहेगा देखिए सबसे जब सैम इसमें दो टाइप की कंडीशन रहेगी एक तो सैंपल लोड और सैंपल इंजेक्ट सैंपल लोड में क्या रहेगा देखिए ड्रेन यहाँ से जो है ये इंजेक्ट की ओर जा रहा है सैंपल की ओर और यहाँ पर अपन पम्प और कॉलम की ओर ये मुड़ता जा रहा है जैसे अपन इंजेक्शन की बात करें तो जैसे अपन इंजेक्शन सैंपल किया तो यहाँ पे ये सीधा का सीधा किसकी तरफ चला गया सीधा जुड़ के ये कॉलम की तरफ चला गया जो कि आगे सैंपल और एनालाइट लेके आगे कॉलम की ओर मुड़ गया तो ये इंजेक्शन सैंपल इंजेक्शन और ये सैंपल लोड की बात आ रही है नेक्स्ट एडवांटेज कैन बी ऑटोमेटेड वेरिएबल वॉल्यूम लूप आर अवेलेबल और वेरी एक्यूरेट डिसएडवांटेज की बात करें तो सैंपल लूप लूप मस्ट बी चेंज इन ऑर्डर टू चेंज द वॉल्यूम इंजेक्शन ओके नेक्स्ट फिर अपन बात करते हैं पंप की अपन ने बात की सैंपल इंजेक्टर की बात की और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी के टाइम जो है ज्यादा से ज्यादा सैंपल इंजेक्टर जो ऑटोमेटेड सैंपल इंजेक्टर है ऑटोमेटिकली रोबोटिक हैंड आता है और ऑटोमेटिकली वो सैंपल आउट कर लेता है बट ये जो प्रोसेस अपन ने समझा और उसके बाद में मेन्यू जो इंजेक्शन है वो कैसे करते हैं वो अपन ने समझा नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉलम के बारे में देखिए टू टाइप्स ऑफ कॉलम आर अवेलेबल इन एच फर्स्ट गार्ड कॉलम और सेकेंड जो है एनालिटिकल कॉलम गार्ड कॉलम जो होता है वो फिक्स होता है हमेशा एक ही कॉलम जो है वो लगा हुआ होता है और एनालिटिकल कॉलम को अपन अकॉर्डिंग टू अपने सैंपल या मेथड के अकॉर्डिंग उसको अपन चेंज कर सकते हैं ठीक है गार्ड कॉलम जो होता है इट इज़ रोल एज ए सिक्योरिटी जैसे कि इसके नाम से लिखा हुआ है गार्ड ये गार्ड एज ए गार्ड वर्क करता है कि अगर सैंपल एनालाइट और मोबाइल फेज में अगर कुछ भी या डी गैस पार्टिकल है या फिर कोई अदर पार्टिकल है जो कि कॉलम को डैमेज ना पहुंचाए इसलिए अपन उसको आगे लगा के रखते हैं कि अगर कुछ होगा तो वो वहीं गार्ड कॉलम में रह जाएगा आगे नहीं बढ़ेगा और अपने एनालिसिस में दिक्कत नहीं आएगी ठीक है

लगा हुआ होता है ठीक है तो उसके कारण जो एनालिटिकल कॉलम की लाइफ है वो बढ़ जाती है ठीक है नेक्स्ट इट इज ऑल्सो एक्ट एज ए प्री फिल्टर टू रिमूव द पार्टिकल मैटर इफ एनी अदर मेटीरियल जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑल्सो ये इसको अपन एक और नाम से बोल सकते हैं कि ये प्री फिल्टर है सैंपलिंग होने के पहले उसको फिल्टर कर देता है ताकि वो एनालिटिकल कॉलम पे कोई डैमेज नहीं कर पाए अगर कोई दूसरा मेटीरियल उसमें आ गया है गार्ड कॉलम हैज़ अ सेम मटीरियल एज दैट द एनालिटिकल कॉलम सेम मेटेरियल होता है उसमें भी एंड देन डू नॉट है बट सेपरेशन में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल केमल सॉरी नेक्स्ट एनालिटिकल कॉलम की अगर बात करें तो एनालिटिकल कॉलम में क्या है देखिये एनालिटिकल कॉलम इज दैट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एचपीएलसी टेक्निक विच इज डिसाइड द इफिशियंसी ऑफ सेपरेशन जैसे कि आपको पता है कि अगर मोबाइल फेज जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें स्टेशनरी फेज जो कि कहाँ होता है कॉलम में होता है कॉलम का पोर्शन ही डिसाइड करता है कि सेपरेशन कैसे होगा और एफिशिएंसी सेपरेशन की कॉलम डिसाइड करती है ठीक है तो देर इज ए सेवरल स्टेशनरी फेज अवेलेबल डिपेंड अपॉन द टेक्निक मोड ऑफ सेपरेशन कॉलम मेटेरियल फर्स्ट कॉलम का जो मेटेरियल है वो कैसा रहेगा तो देखिए कॉलम आर मेड अप आइदर स्टेनलेस स्टील ग्लास पॉलीथाइलिन एंड पिक पॉलीथल कीटोन से बना हुआ होता है स्टेनलेस स्टील का कॉलम आपने देखा होगा कॉलम की लेंथ जो है यूजुअली वो वेरी करती है पाँच सेंटीमीटर से तीन से तीस सेंटीमीटर तक हो सकती है कॉलम का डायमीटर जो है वो होता है टू एम mm से फिफ्टी एम mm के बीच में और कॉलम की पार्टिकल साइज जो है वो वन माइक्रोन से ट्वेंटी माइक्रोन के बीच होती है और कॉलम का नेचर स्पेरिकल यूनिफॉर्म साइज पोरियस मैटर आर यूज नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग कॉलम का कैसे अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं देखिए द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्टेशनरी फेज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्रोम सैंपल सेपरेशन मतलब किस टाइप का सैंपल है आपके पास और किस टाइप का आप सेपरेशन करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा फंक्शनल ग्रुप ऑफ स्टेशनरी फेज के बारे में तो इन द नॉर्मल फेज मोड इट कंटेन द सिलिकॉन ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ठीक है जो अगर नॉर्मल अगर अपन देखें तो कॉलम में अपन को जैसे अपन टीएलसी में सिलिका जेल यूज करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे एच में जो है हाईली प्योरिफाइड अपन सिलिका को यूज करते हैं सिलिकॉन ग्रुप को यूज करते हैं जो कि उसमें सिलिकॉन में कार्बन के मॉलिक्यूल अवेलेबल होते हैं जैसे कि आपने सुना होगा नॉर्मली सी और C8 टाइप के जो कॉलम अवेलेबल होते हैं यूजुअली अपन दो टाइप यूजुअली दो टाइप के कॉलम ही अपन यूज करते हैं ऐसे तो बहुत सारे कॉलम यूज होते हैं ठीक है तो C18 और C8, एट यहाँ पे C18 और C18 मतलब क्या है कि कार्बन के जो मॉलिक्यूल है वो 18 कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है चेन बनी हुई है या C8 कार्बन की चेन बनी हुई है ठीक है तो इन नॉर्मल फेज मोड इट कंटेन सिलिकॉन ग्रुप ओके एंड इस रिजर्व के रिजर्व क्रोमेटोग्राफी की मैं बात करूं जैसे कि मैंने आपको बताया था नॉर्मल फेज में क्या था स्टेशनरी फेज जो था वो क्या था रिजर्व फेज में ठीक है तो अपने देखिए वापस मैं बता देता हूँ मैं आपको देखिए नॉर्मल फेज जो था उसमें सर स्टेशनरी फेज जो था वो कैसा था पोलर था या नॉन पोलर था और मोबाइल फेज जो है वो कैसा था तो नॉर्मल फेज में मैं बात करूँ ये तो था पोलर और ये था सॉरी ये था नॉन पोलर और ये था पोलर और रिवर्स फेज की मैं बात करूं तो रिवर्स फेज में क्या था क्या सर रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज था नॉन पोलर और मोबाइल फेज जो था सर वो था पोलर ऐसा ही था बिल्कुल तो रिजर्व रिवर्स फेज में देखिए यहाँ पे क्या है इन रिवर्स फेज मोड इट कंटेन फॉलोइंग ग्रुप सी ए टी जिसको ऑक्टा डिसाइल सिलिकेन कॉलम बोलते हैं सी एट जिसको ऑक्टाइल कॉलम बोलते हैं सी फोर ब्यूटाइल कॉलम सी एन नाइट्रेट कॉलम और सी एन एच टू एमिनो कॉलम के नाम से अपन जानते हैं तो नॉर्मली अपन देखते हैं इन नॉर्मल फ्रेज यूज सिलिकॉन ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड इन रिजर्व रिवर्स फ्रेज क्रोमोटोग्राफी सी एटीन ऑक्टा डिकाइल सिलिकेन कॉलम Octyl C8, C4 butyl and CN and NH4 है अपन अपन यूज़ करते हैं नेक्स्ट बात आती डिटेक्टर के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है डिटेक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एचबीएलसी जिससे कि अपन को डिटेक्ट होगा कि कौन सा सैंपल एनालाइट कैसे फर्स्ट हाईली सेंसिटिव होना चाहिए रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए रिस्पॉन्स एंड गिव रिस्पॉन्स टू ऑल रिस्पॉन्बल सुड बी लीनियर ओवर वाइड रेंज कंसेंट्रेशन सुड नॉट बी सेंसिटिव फ्लो रेट फ्लक्चुएशन टेम्परेचर और चेंज एंड चेंज इन कंप्रेशन एंड कैपेबल ऑफ विद स्टैंड ऑफ हाई प्रेशर नेक्स्ट बात करते हैं अपन पैरामीटर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ़ डिटेक्टर तो नॉइस इट इज वेरिएबल आउटपुट फ्लक्चुएशन इन पावर सप्लाई टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंड ड्रिफ्ट ओके तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ डिटेक्टर तो डिटेक्टर की जो नॉइस होती है यूजली उसके अकॉर्डिंग अपन ने बताया यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिटेक्टर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट तो डिफ्रेंशिएट डिटेक्टर और बल्क प्रॉपर्टी ऑफ डिटेक्टर they provide the differentiation measure of bulk property in process by the both solute and mobile phase okay next they are non specific weight ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस चलिए तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिटेक्टर के बारे में तो डिटेक्टर में क्या है डिफरेंशियल डिटेक्टर और बल्क प्रॉपर्टी ऑफ डिटेक्टर ओके तो दे प्रोवाइड द डिफरेंशियल मेजर ऑफ बल्क प्रॉपर्टी दैट प्रपोज बाय बोथ सॉल्यूट एंड मोबाइल फेस यहां तक अपन ने पढ़ लिया था आर नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स वाइल्ड रेंज कंपोनेट एंडलेक्टिव इंडेक्स ओके नेक्स्ट द सेलेक्टिविटी डिटेक्टर और सोल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर द मेजर ए प्रॉपर्टी ऑफ सैंपल विच इज नॉट प्रपोज बाय द मोबाइल फेस फॉर एग्जाम्पल यूवी एंड फ्लोरोसेंस डिटेक्टर तो यहां पर बात करते हैं अपन डिटेक्टर के बारे में तो तीन से चार टाइप के अपन डिटेक्टर पढ़ेंगे तो अपन करते हैं, वो है यूवी डिटेक्टर फ्लोरोक्स इंडेक्स डिटेक्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तो पहले अपन बात कर रहे हैं UV डिटेक्टर के बारे में UV विजिबल तो ये डिटेक्टर जो है नॉर्मल जो अपन UV स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं उस टाइप का डिटेक्टर है तो यूजफुल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड मेजर नैनोग्राम ऑफ the बेस्ड ऑनर लो जैसे कि आपको पता है और मैंने एक और वीडियो भी बना के रखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आप प्ले लिस्ट बना के रखी है मैंने एक इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करके उसमें जाके देख सकते हैं नेक्स्ट क्लासिफाइड फिक्स वेरिएबल डिटेक्टर ऑन फिक्स वेवलेंथ डिटेक्टर प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट लेंथ एंड लाइन सोर्स मोनोक्रोमेटर फिल्टर यूज इन फोर फिफ्टी फोर निनोमीटर नॉर्मली यूज भी बात करें यूवी डिटेक्टर की तो सिंगल वेवलेंथ पे अगर अपन को डिटेक्शन चाहिए जिसके अपन पर पैरासीटामोल का या किसी सिंगल वेवलेंथ का डिटेक्ट कर रहे हैं तो अपन एक सिंगल वेवलेंथ 254, 248 लेके उसको डिटेक्शन कर सकते हैं और इसका ये फ्लो डायग्राम आप देख सकते हैं जैसे कि आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन डिस्कस कर चुके हैं देखिए यहां पे क्या हो रहा है मरकरी मर्क आर्कलैम यहाँ पे सोर्स है जिससे सोल्यूशन आ रहा है फ्लो सेल्स और इसके बाद ये अपन को डिटेक्ट हो रहा है नेक्स्ट वेरिएबल वेव डिटेक्टर के बारे में बात करते हैं सोर्स मोनोक्रोमैटर ग्रेटिंग प्लेज एंड यूज द स्कैनिंग पर्पज तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटर डबल प्रिम के बारे में बात कर रहे हैं अपन ग्रेडियंट में तीन से चार टाइप के जो स्प्लेटिंग होती है उसके बाद चोपन को डिटेक्ट होता है सैंपल एडवांटेज की बात करें नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड इंटेंसिव टू चेंज द सोलवेंट फ्लोरेट एंड डिस है नो यूनिफॉर्मली रिस्पॉन्स एंड टू द ऑल कंपोनेंट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी डिटेक्टर के बाद अपन बात करते हैं फोटो डायोड डिटेक्टर के बारे में फोटोडायोड आर ए डिटेक्टर के बारे में जिसको अपन पी डी ए डिटेक्टर भी बोलते हैं कौन सा डिटेक्टर बोलते हैं पी डी ए देखिये मोस्टली अगर आपने देखा होगा एच पी एल सी जो है इसमें अपन यूपेक्टर यू डिटेक्टर यूज करते हैं पी डी ए डिटेक्टर कौन यूज करता है जैसे कि अपन किसी भी सैंपल का न्यूली एनालिसिस कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ जिसकी लेमडा मैक्स जो है मैक्स वो अपन को डिटर्मिनेशन नहीं है और उसके साथ अपन को इम्प्योरिटी की भी प्रोफाइलिंग करनी है उस समय अपन फोटो डायोड एरे डिटेक्टर यूज करते हैं जिसको अपन पीडीए डिटेक्टर के बारे में बात पीडीए डिटेक्टर का मतलब ये है कि मेरे को 200 से लेकर कि मेरे को सर 200 से लेकर 1100 सारी की सारी रेंज में जो है उस डिटर्मिनेशन चाहिए उस सैंपल का ठीक है यूवी में तो क्या करते हैं अपन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को पकड़ के फिर उसका डिटेक्शन करते हैं बट यहाँ पे क्या है मेरे को सारी की सारी वेवलेंथ का 200 से लेकर 1100 तक सारी की सारी जो नैनोमीटर की रेंज है उन सब नैनोमीटर में जो जो मॉलिक्यूल लेमडा मैक्स मेरे को प्रोवाइड करा रहा है उन सब की मेरे को एनालिसिस करना है या फिर किसी सैंपल का अपन को इंप्यूरिटी प्रोफाइलिंग करनी है तब अपन पी डिटेक्टर यूज करते हैं तो ये फ्लो डायग्राम है पी डिटेक्टर का इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं इट इज अ टाइप ऑफ मल्टी चैनल ऑफ यू बी डिटेक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया हेयर द पोलिक्रेमिट लाइट प्रोवाइड द सोर्स पास वायर द फ्लो सेल्स डिफरेंस फ्रॉम द ग्रेटिंग एंड सर्च द फोटोडाइड आर एरे रिसीव द नैरो वेवलेंथ बैंड विच इज रिचार्ज द कैपेसिटर एंड पी एन जंक्शन कैपेसिटर चार्ज लॉस्ट इंटीग्रेटेड पर एम्पलीफायर सर्किट विथ प्रपोशनल ऑफ रेडिएशन This voltage is converted to signal and which recorded to the peak of chromatogram. इसका एडवांटेज क्या है? Highly sensitive hai, speed and it is suitable for change temperature and flow rate. Highly suitable for gradient analysis Ke liye sabse ज्यादा important or suitable Hai. Next अपन बात करते हैं fluorescence detector. देखिए कई बार जो है, जब अपन sample का analysis करेंगे, तो according to sample जो है उसके detector भी बदलेंगे.

इंडेक्स का ठीक है यहाँ पे देखिए कॉलम के थ्रू ग्लास रोड हो रहा है ठीक है थीके? जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि एचपीएलसी जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या फिर फूड एनालिसिस की इंडस्ट्री है या फिर कोई एनालिटिकल इंडस्ट्री है, उसमें एचपीएल सी तो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो तो होगा ही होगा ओके तो उसकी वर्किंग बहुत ही अच्छी है बहुत ही आपको समझने के लायक ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नॉट ओनली एनालिटिकल स्टूडेंट ऑल्सो फॉर तो कोलोजी तो तो स्टूडेंट मेडिसनल केमिस्ट्री स्टूडेंट सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है चलिए तो अब मैंने आपको वर्किंग मैकेनिज्म बताना चाहूंगा मैं एचपीएल का कि एक्चुअली वहां पे सेपरेट आउट कैसे होता है तो ये आने वाली जो पीपीटी है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए बहुत ही अच्छे से मैंने इसमें समझा के रखा है कि कैसे एक्चुअली जो सैंपल का सेपरेट आउट होगा चलिए एक एक करके अपन पीपीटी की ओर ध्यान में बढ़ते हैं देखिए ये फर्स्ट सेपरेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं पॉइंटर को ले आता हूँ ये देखिए मोबाइल फेज इसमें रिजर्वर पड़ा है पंप यहाँ पे लगे हुए हैं तो जैसे यहाँ पे ये मोबाइल फेज जो है पंप के थ्रू आगे बढ़ेगा मिक्स होगा फिर यहाँ पे इंजेक्शन पे अपन सैंपल को इंजेक्ट करेंगे और जैसे ही इंजेक्ट करेंगे तो ये धीरे 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 कॉलम से पास आउट होके यहाँ पे वेस्ट में डिटेक्ट होके बाहर आ जाएगा तो क्या लिखा हुआ है एफिनिटी नेक्स्ट द स्टेशनरी फेज द फेज विच रिमेन्स फिक्स इन द कॉलम सी एटीन एंड मोबाइल फेज कैरी द सैंपल थ्रू दिन की मैंने आपको बताया मोबाइल फेस मिक्स होके इसको एंडालाइट को ले लेगा सैंपल को और उसको उसके साथ में मोबाइल फेज के साथ में सेपरेट आउट कर लेंगे कॉलम की हेल्प से ठीक है फिर इसको देखिए आप अब आपको समझ में आएगा जैसे जैसे यहाँ पे देखिए ये सैंपल आगे बढ़ रहा है सैंपल आगे बढ़ रहा है और ये सैंपल सेपरेट आउट हो रहा है देखिए बहुत अच्छे से देखिए ये देखो ये देखो सैंपल सेपरेट आउट हो रहा है सबसे पहले कौन सा आया और जैसे ही सैंपल सेपरेट आउट रहा है यहाँ पे को पीक दिखाई दे रही है ये पीक किसकी है ये सैंपल की पीक है कि कितने सर इसमें एक दो तीन चार तीन चार जो सैंपल जो है इसका मतलब तीन से चार सैंपल जो इसका मिक्सर था और ये मिक्सर जो है इस कॉलम ने एक एक करके सैंपल आउट सेपरेट आउट कर दिया और जैसे जैसे सेपरेट हुआ, हुआ वो अपन को क्रोमेटोग्राफ में हु बु नजर आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पीपीटी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी ये बहुत ही देखिए मैं वापस करके बता देता हूं आपको ध्यान दीजिएगा यहां पे आप सॉरी 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 धीरे धीरे देखिए ये सैंपल देखिए यहाँ पे देखिए ये सैंपल इसको देखिए आप ये देखिए आगे बढ़ रहा है ये देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फिर आगे बढ़ा इधर में देखिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे अपने सैंपल इसको मिक्स कर दिया नेक्स्ट अपने स्टेप यहाँ पे लिया उसको मिक्स कर दिया अब ये जैसे कॉलम में गया देखिए एक कलर का आपको दिखाई दे रहा है अब जैसे ये कॉलम में जाएगा ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का इसका मतलब क्या है ये सेपरेट आउट हो रहा है इसमें तीन से चार टाइप के जो कंपोनेंट थे वो सेपरेट आउट हो रहे हैं देखिए कहाँ हो रहे हैं ये देखिए पहले एक ही था वापस से देखिए और ये देखिए ये सैंपल सेपरेट आउट हो रहे हैं और जैसे ही वो सेपरेट आउट हो रहे हैं यहाँ पे अपन को क्रोमेटोग्राम में वो नजर आ रहे हैं सबसे पहले कौन सा आ रहा है सर ऑरेंज कलर फिर येलो फिर पिंक फिर पर्पल कलर फिर ब्लू कलर आ रहा है सर देखिए जैसे ये देखिए ये यहाँ पे जैसे ये डिटेक्ट हुआ डिटेक्टर के पास और जैसे ही अपन को ये डिटेक्ट हुआ और यहाँ पे अपन को क्रोमेटोग्राम नजर आ गया हो बहु ऐसा ही कुछ इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस में आप देखेंगे एचपीएलसी में जब भी आप इंडस्ट्री में इसको देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी पीपीटी थी इस क्रोमेटोग्राम एचपीएलसी के मैकेनिज्म को समझने की होप सो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी ओके यहाँ पे ये क्रोमेटोग्राम जो ये पूरा बन चुका है ये एचपीएलसी का एग्जाम्पल देख लीजिए आप ये कंप्यूटर लगा हुआ होता है रिजर्व होता है ये, ये जीलैंड की एचपीएलसी HP, का मॉडल आपको बता के रखा है ठीक है इसके बाद अपन बात करते हैं इसमें इंजेक्शन सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस चलिए तो यहां पे थे अपन एक बार सेपरेशन अपन वापस देख लेते हैं देखिए सैंपल इंजेक्शन उसके बाद में ये देखिए जैसे ही सैंपल आगे बढ़ा कॉलम में गया उसने सैंपल को सेपरेट आउट कर दिया और वो अपन को जो है प्रोमोटोग्राम में दिख गया ठीक है तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं द क्रोमेटोग्राम जो क्रोमेटोग्राम होगा जो अपन को कंप्यूटर में एनालिसिस होकर दिखेगा वो कैसा होगा वो किस हिसाब से होगा तो देखिए यहां पे एज द टाइम ऑफ इंजेक्शन और जो रन टाइम है इसका इसको अपन ये बोलेंगे जो टोटल रन टाइम होगा वो उसके बाद इल्यूशन टाइम द अनरिटेन पीक एंड टीआर क्या है रिटेंशन टाइम आरटी जिसको अपन बोलते हैं डिटरमाइन सप्लाई ऑफ आइडेंटिफाई ठीक है नेक्स्ट यहां पे देखिए ये पीक को इसको अपन को फिर वापस एरिया हाइट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ एनालाइट इसका जितना एरिया होता है उतनी कंसंट्रेशन या क्वांटिटी होती है एनालाइट की ठीक है ये जो तो सैंपल है इसका एनालाइट क्वांटिटी इसकी कम है इसकी ज्यादा है उस हिसाब से अपन जो है उसका एनालिसिस परफॉर्म करते हैं ये रेफरेंसेस हैं और उसके बाद में अपना जो ये HPLC का जो अच्छे से डेमोन्ट्रेशन और पीपीटी जो कंप्लीट होता है वीडियो थैंक यू फ्रॉम एकेडमी अकेडमी में हिमांशु राजपुरोहित आपके सामने बहुत ही आ, अलग अलग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे है एचपीएलसी है और भी आने वाले वीडियो जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक पर आने वाले हैं ओके okay? उसके बाद में बताना चाहूँगा कि डिफरेंट डिफरेंट एनालिटिकल के लिए मैंने एक प्ले बना के रखी है जिसका नाम इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक या इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी उसमें जाके आप देख सकते हैं जिसमें कि मैंने अभी तक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और एच पे जो आज वीडियो बना दिया है चलिए ऐसा ही आपका सपोर्ट बना रहे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं लाइक like करें शेयर करें कमेंट करें स्पेशली फॉर बी फार्म फोर्थ ईयर स्टूडेंट एंड बी फार्मा सेवंथ सेम स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मेरा और कुछ भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करें मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश पूरी करूँगा Okay, thank you so much.